हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने जो सेशन स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करते हैं 8 से 10 मिनट में, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी करंट अफेयर्स के रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड या फिर आपके नॉलेज के लिए, उसको हम लोग कवर करेंगे। एक स्टोरी टाइप में आपको बताऊँगा, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि न्यूज़ क्या है। ठीक है, तो रेगुलरली आप इन सेशंस को देखो। डेली मंडे टू सैटरडे जो है मेरा वीडियो आएगा द हिंदू न्यूज़पेपर का, तो आप लोग कॉन्टिन्यूसली इनको फॉलो करो। जैसे ही मेरा वीडियो आएगा तुरंत मैं टेलीग्राम पे इसका लिंक दे दूंगा, तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लेना। उसका जो लिंक है ना वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। तो आप लोग, मैं आपको यही बोलूँगा कि आप रेगुलरली इन सेशंस को देखो, आपका जो नॉलेज है वो काफ़ी जो है वो इम्प्रूव होगा। और टाइमिंग जो मेरे वीडियो का रहेगा, डेली शाम को 7 बजे मेरा वीडियो आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर विदाउट एनी टाइम वेस्ट। मेरा नाम है अभिलाष। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है, वर्कर्स इन उत्तराकाशी टनल क्लोजर टू फ्रीडम। तो ये जो है ना, मैं आपको न्यूज़ डेली कवर कर रहा हूँ कि जो उत्तराकाशी में जो वर्कर्स फंसे हुए थे टनल के अंदर, उनको जो है ना वो अभी शायद उनको रेस्क्यू कर दिया जाएगा, उनको बचा लिया जाएगा। और ये जो मिशन है ना अभी सक्सेसफुल है, मतलब वो फ्रीडम की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। तो डेली ये न्यूज़ आती है, इसको ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, टू सोल्जर्स किल्ड इन रजौरी ऑपरेशन। तो रजौरी के अंदर जो जम्मू कश्मीर की एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक ऑपरेशन हुआ जहाँ पे हमारे जो दो आर्मी कैप्टन्स थे, जवान थे दो, वो दोनों जो है वो शहीद हो गए। तो ये जो ऑनगोइंग ऑपरेशन है ना, ये टेररिस्ट के अगेंस्ट चल रहा था, रजौरी डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर की। तो आर्मी ने जो है ये बोला है, ये न्यूज़ दी है, तो काफ़ी जो है दुखद न्यूज़ है, क्योंकि हमारे जो जवान थे और जो कैप्टन थे वो शहीद हो गए, देश के लिए बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, वाशिंगटन वॉर्न इंडिया अगेंस्ट प्लॉट टू किल पॉनन इन US रिपोर्ट। तो जो US है ना, उन्होंने इंडिया को वॉर्न किया है कि आप लोग जो है ना, ये जो पॉनन है ना, ये एक खालिस्तानी टेररिस्ट है, इंडिया के अंदर इसको घोषित किया गया है। तो US ने वॉर्न किया है कि आप लोग इसको मारने की प्लानिंग मत करो US के अंदर। US ने ये रिपोर्ट भेजी है, तो US गवर्नमेंट ने जो है ना सीधे इसको मतलब मना कर दिया है कि जो सेपरेटिस्ट है जिसका नाम है गुरपतवंत सिंह पॉनन, तो उसको आप लोग US साइल के अंदर नहीं मार सकते। और इंडिया को इसके अगेंस्ट जो है वो वार्निंग की दी है। तो इंडिया ने आगे बोला है कि हमने जो है US के साथ इसके अगेंस्ट जो है डिस्कशन की, और हम लोग जो है टेररिज्म के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। तो यही न्यूज़ है, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। हाँ, G20 अभी सबमिट हुआ रिसेंटली, ठीक है, और मोदी जी ने बोला कि जो इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं ना हमस और इसराइल के अंदर में, जो वॉर चल रहा है वो है जो है वो अनअसेप्टेबल है, और इसके लिए हमें कोई ना कोई सलूशन निकालना चाहिए। मोदी जी ने कहा जब भी रिसेंटली जो है G20 समिट हुआ वर्चुअली, जो है उन्होंने बोला इसराइल और हमस कन्फ्लिक्ट के ऊपर, और इंडिया ने जो है ना इसराइल पैलेस्टीन टू स्टेट सलूशन की जो है वो बात की, कि हमें जो है दो कंट्रीज़ जो है अलग अलग बना देनी चाहिए, इसराइल और पैलेस्टीन। तो यही इसमें हुआ G20 समिट के अंदर में। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, आफ्टर 2 मंथ्स इंडिया रिज्यूम्स इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सर्विसेज फॉर कैनेडियन सिटीजन्स एज सिचुएशन इम्प्रूव्स। तो लगभग 2 महीने के बाद इंडिया ने जो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सर्विसेज होती है ना, वो उनको जो है रिज्यूम कर दिया है कैनेडियन सिटीजन्स के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो थोड़ी सी अब सिचुएशन है ना इम्प्रूव हुई है। आपको पता है रिसेंटली क्या हुआ था, कनाडा के अंदर इंडिया के थोड़े जो रिलेशन थे वो ख़राब हुए थे, जब जो हमारा जो मतलब खालिस्तानी जो टाइगर फोर्स हरदीप सिंह था उसकी जो हत्या हुई थी, उसके बाद जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडू, उन्होंने एक रिमार्क किया था कि इसमें जो है इंडिया का हाथ है, जिसके बाद सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। इंडिया ने जो वीज़ा सर्विसेज थी उनको बंद कर दिया था, लेकिन अभी जो है सिचुएशन इम्प्रूव हुई है, जिसके बाद जो है वीज़ा सर्विसेज को दोबारा चालू जो है वो कर दिया गया है। तो यही है इसमें, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, सिटीज़ की न्यूज़ है, दिल्ली के अंदर में क्या क्या हो रहा है, तो हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बिहार कैबिनेट अप्रूव्स रेजोल्यूशन डिमांडिंग स्पेशल स्टेटस फॉर स्टेट। तो बिहार ने जो है ना एक रेजोल्यूशन पास किया, और ये एक स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं बिहार के लिए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार कैबिनेट ने जो है एक रेजोल्यूशन पास किया, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको रिक्वेस्ट किया कि हमें जो है ना आप लोग जो है एक स्पेशल स्टेटस दो। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जो बिहार के हैं, उन्होंने बोला, ठीक है मिस्टर कुमार, तो उन्होंने ये बोला कि जो बिहार के अंदर में भी जो है काफ़ी बैकवर्ड क्लासेस है, अभी रिसेंटली पता है आपको कास्ट सर्वे हुआ था बिहार के अंदर में, तो हमें जो है एक स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए ताकि हम उन लोगों की जो है जो कंडीशन है उसको सुधार सकें। तो अभी तक सेंटर का इसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए।
लिसन टू पीपल नॉट दी नंबर्स। तो ये जो आर्टिकल है इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा क्योंकि ये इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है और ये जो लिखा है ये अरुण मैरा ने लिखा है। इन्होंने एक बुक लिखी थी शेपिंग द फ्यूचर हाउ टू बी थिंक एंड एक्ट इन द न्यू वर्ल्ड। तो इन्होंने क्या बोला है कि इंडियन इकोनॉमी जो है हालांकि जो है तेजी से बढ़ रही है इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो बहुत कम है। हमारी GDP तो ग्रो कर रही है लेकिन हम लोग जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं और हम लोग जो रिजर्वेशन है वो बढ़ाते जा रहे हैं। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को भी जो है रिजर्वेशन दे रहे हैं तो हमें जो है ना हमारी जो है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, मतलब जो हमारी जॉब्स हैं उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। US इकोनॉमी के अंदर भी जो लोग हैं वो अनसेटिस्फाइड हैं, वहाँ पे भी जो है इसके रिलेटेड प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो उसके बाद क्या लिखा, जॉब्स दैट आर नॉट गुड। तो हमारी जो मतलब हमें जो जॉब्स प्रोवाइड की जा रही है ना वो क्या है, कंट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है, मतलब आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो इस तरह से जो यूथ है ना वो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उससे नहीं निकल पा रहा है और सर्विसेज सेक्टर में नहीं आ रहा है, ना ही हमारे पास कोई स्किल्ड लेबर है, स्किल भी नहीं है, एजुकेशन की भी जो है मतलब उस तरह की जो स्किल जो है हम लोग प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। तो उसके बाद हमें जो है कुछ सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है, कलेक्टिवली हमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, लेबर लोगों को जो है यंग पॉपुलेशन जो है उनको स्किल बनाने की ज़रूरत है। तो ये सारे सोल्यूशन इसमें लिखे हुए हैं। तो ये आर्टिकल मैंने आपको थोड़ा सा जो है वो पढ़ा दिया। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलेंगे, सेम सेक्स कपल्स इज जज टू द रेस्क्यू। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, मद्रास हाईकोर्ट के जो एक जज थे उन्होंने क्या किया है, बोला है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप लोग फैमिली एसोसिएशन के ऊपर बात करो, जो सेम सेक्स कपल्स हैं उनको एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड करने के ऊपर जो है काम करो। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको पता है बोला था कि ना तो सेम सेक्स कपल्स की शादी हो सकती है और ना ही हमें उन्हें कोई स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट के ये जो जज हैं इन्होंने बोला है स्टेट गवर्नमेंट को सुषमा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस केस में कि आप लोग जो हैं फैमिली एसोसिएशन के ऊपर इनको लीगल स्टेटस प्रोवाइड करने के ऊपर बात करो और जो LGBTQ जो कम्युनिटी है उनको भी। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था ये आया था सुप्रियो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इम्पोर्टेंट होगी, ये यूक्रेन के ऊपर है, उसके बाद एथिक्स के ऊपर बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, ये न्यूज़ पॉलिटिकल न्यूज़ है सारी की सारी, तो इसमें आप हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे। असेंबली पोल्स के ऊपर न्यूज़ आ गई तो आप खुद ही देख रहे हो, जो भी इम्पोर्टेंट होगी वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, रीस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम BMS अर्जिस फाइनेंस मिनिस्टर। तो बहुत सारे जो वर्कर्स हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने अर्ज किया है फाइनेंस मिनिस्टर को कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ना उसको वापस ला दिया जाए। आपको पता है 2004 में जो है 2004 तक जो है ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती थी लेकिन उसके बाद जो है इसको बंद कर दिया गया। तो इसके लिए रिलेटेड काफ़ी जो है मतलब प्रोटेस्ट भी चल रहे थे पहले और अभी जो है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने अर्ज किया है कि जो है हमें जो इसको रिलेटेड जो है हमें ओल्ड पेंशन स्कीम को चालू किया जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बिगन्स हियरिंग ऑन प्लीज अगेंस्ट पार्टीज ऑफरिंग फ्री बीज। तो इलेक्शन के टाइम पे जो फ्री की चीज़ें बांटी जाती है ना सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अगेंस्ट जो है प्लीज को सुनेगी, ठीक है, जो फ्री बीज देती हैं इलेक्शन के टाइम में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुनने की बात की है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर वर्ल्ड की न्यूज़ आ गई, इसराइल हमस ने जो है 4 डे सीज फायर मतलब युद्ध विराम करने की बात की है गाज़ा के अंदर में 4 दिन के लिए, उसके बदले में जो है होस्टेजिस को छोड़ा जाएगा, जो हमस के अंदर जो बंदी बनाए हुए लोग हैं इसराइल के उनको छोड़ा जाएगा, 150 पैलेस्टीनियंस को जो है इसराइल छोड़ेगी। तो एक किस्म की जो है संधि की बात जो है वो की जा रही है। तो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, US स्ट्राइक्स किल 8 प्रो ईरान फाइटर्स इन इराक। तो इराक के अंदर जो है US ने स्ट्राइक की जिसके अंदर में जो ईरान फाइटर्स थे उनको मारा गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। तो यही इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, ये बिजनेसिस की न्यूज़ आ गई जो कि आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद स्पोर्ट्स की टीम आ गई, आपको पता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो T20 सीरीज़ आज शुरू हो रही है, तो इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, कोई आपकी सजेशन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और जो नया बच्चा जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को दबा देना ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम का लिंक भी जो है आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो जय हिंद।